जनपद में विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी पोलिंग बूथों पर सुगम व्यवस्था की गई है तथा मतदाताओं की सुविधा के लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है, जिसके साथ ही दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बूथों पर पानी की मॉडल बूथ की व्यवस्था की गई है तथा मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है और सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिसकर्मियों व केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि 50% बूथों पर वेबकास्टिंग व माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। उन्होंने जनपद के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि 3 मार्च को घर से निकलकर मतदान जरूर करें और जनपद को गौरवान्वित करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जनपद में पोलिंग बूथ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है? सभी पोलिंग बूथों पे मतदाताओं के लिए सुगम व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैम की व्यवस्था या और पेयजल की व्यवस्था, वहाँ पे मॉडल बूथ्स की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे सुगम व्यवस्था हमारे मतदान कर्मचारियों के लिए खान पान की व्यवस्था, पुलिस कर्मचारियों के लिए खान पान की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, वेबकास्टिंग किया गया है, वीडियोग्राफर और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी तैनाती की गई है। बहुत अच्छे वातावरण में लोगों को मतदान करने के लिए सारी तैयारियाँ की गई हैं। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से आग्रह करूँगा कि 3 तारीख को हमारे जनपद को गौरवान्वित करने के लिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग जरूर करें और उत्सव में प्रतिभाग जरूर करें।